एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है राजकुमार साहब का कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनके घर पर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन नवाब मलिक को देखिए, पिछले एक महीने से अपने मंत्री पद का, अपनी सरकार का कितना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। समीर वानखेड़े के ऊपर इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि जो समीर वानखेड़े हैं, इनके दामाद समीर खान को ड्रग्स वाले मामले में अरेस्ट कर लिया था। समीर वानखेड़े के परिवार की इज्जत उछालने में इन्हें बहुत मजा आ रहा था। शादी से लेकर जाति प्रमाण पत्र, मुस्लिम धर्म, इनकी मृत हो चुकी माँ समीर वानखेड़े की, इनके ऊपर तरह तरह की गंदी और भद्दी बातें की जा रही है, ज्ञानदेव वानखेड़े के ऊपर बातें की जा रही है, तब इन्हें बहुत मजा आ रहा था। लेकिन अब ऐसी चीज हो रही है ना, जिसके चलते नवाब मलिक बहुत ज्यादा डर गए हैं, क्योंकि अब जो पत्थर है ये इनके घर पर पड़ रहा है। क्योंकि नवाब मलिक का ये कहना है कि जब ये 2 दिन के लिए दुबई गए थे, तब कुछ लोग इनके घर की रेकी कर रहे थे, जब उनसे पूछताछ की गई तो वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। अब सोचिए, कहानी तो बहुत बढ़िया है लेकिन स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर है। जब इनके घर की कोई रेकी कर रहा है, लोग इनसे पूछने जा रहे हैं, इतना बड़ा मंत्री, और वो लोग वहां से भाग जाते हैं और किसी की पकड़ में नहीं आते, तो सोचिए आम इंसानों का क्या होगा जब मंत्री के घर से लोग भाग जा रहे हैं पूछताछ करने के पहले ही, और पकड़े नहीं गए लेकिन उसके पहले ही नवाब मलिक बोल रहे हैं कि वो उनके घर की रेकी कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल की रेकी कर रहे हैं, उनके ऑफिस की रेकी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कब कब जाता है, क्या करता है, उसके बाद ही प्लानिंग की जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्हें फंसाने के लिए बहुत सारी जानकारियां जुटाई जा रही है। वैसे नवाब मलिक को किस बात का डर है? ऐसी क्या चीज है जिससे नवाब मलिक डर रहे हैं? तो डर सबसे बड़ा नवाब मलिक का यही है कि इनके ऊपर भी बहुत ही जल्द ईडी की रेड पड़ने वाली है, इनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां जब्त होने वाली है, इस तरह की खबरें आ रही है। क्योंकि पहले से ही विक्टिम कार्ड खेलेंगे तब जाकर इन्हें इनके सपोर्टर का साथ मिलेगा, राजनीति खेली जाएगी, तरह तरह की बातें की जाएगी। तो जितने आरोप लगाना था इन्हें समीर वानखेड़े के ऊपर ये लगा चुके हैं। अब नवाब मलिक को अपनी चिंता है, अपने ऊपर डर है कि इनके साथ कब, क्या और कैसे क्यों हो जाएगा।